अवार्ड जो मिला है उसका इनवाइट है। जाऊंगी भी या नहीं अभी डिसाइड नहीं किया। ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। मैं हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की बात कर रहा हूँ। हमें सिर्फ 30 मोबाइल वैन्स ऑर्डर करनी है। लेट्स डू दैट एंड गेट स्टार्टेड विद दिस। खुद यूएसए जाके बकायदा रिसर्च करनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के इतने क्रूशियल फेज में मैं उसको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? आज तक तुम्हारे साथ है तो तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अरे तुम जगी भी हो? मुझे लगा सो गई। नहीं, ऐसे सी आंख लगी थी। चलो खाना खा लेते हैं। तुमने खाया कि नहीं? मुझे भूख नहीं है, प्लीज तुम खुद खाना ले लो। Are you all right? You don't look good. सुनो तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये तो मैं सिमरन को लेकर आता हूँ। सिमरन? वो तो अभी चेकअप करके गई है, कहा है सब ठीक है। यशो सुनो खाना खा लेते हैं, यू विल फील बेटर। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं खाना लगाता हूँ फिर तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? यू जस्ट रिलैक्स, आई जस्ट कॉल यू। I don't think so. Please don't leave Neha alone. कई बार हम अपने काम के आगे पर्सनल कमिटमेंट्स को इग्नोर कर जाते हैं, बट नेहा नीड्स यू राइट नाउ अभी, एंड यू कांट फॉरगेट, शी इज योर वाइफ एंड इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ योर चाइल्ड। मैं एक बीवी बन के भी कह रही हूँ और एक जर्नलिस्ट बन के भी, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मॉर्निंग शर्मिन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर या योर मेल्स, सॉरी मैं आपको ये कल देना भूल गई। कल डॉक्टर ब्रायन और क्रिसमस की वजह से यू नो हॉस्पिटल में कितना हंगामा हो गया था। और डॉक्टर ये एक अर्जेंट मेल है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, हैंड डिलीवर्ड हुआ है। आई एम सॉरी डॉक्टर। नो नो प्रॉब्लम। हेलो सिमरन आंटी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ कहो सुन बेटा। पापा बहुत बिजी रहने लगे हैं, मुझे मम्मा से मिलना है, क्या आप मुझे मम्मा से मिलाने ले जाएंगी? हाँ मैं ले जा सकती हूँ तुम्हें, लेकिन सुनो बेटा, पापा वो क्या,
आंटी बसंत थोड़ी देर के लिए जाएंगे, मैंने मम्मा के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद के रखा है, पापा को बताने का टाइम ही नहीं मिला, आज मेरा हॉलीडे और पापा घर पे ही नहीं है। ओके बेटा, मैं जरूर ले चलूंगी तुम्हें। थैंक्स आंटी, बाय। कैसी है? अच्छी है। अच्छी, चलो भाई पूरी खाओ। नहीं डॉक्टर, मेरा पेट बहुत भर गया। अरे कमाल करती हो, मैं तुमको सब्जी खिलाने की कोशिश की, तुमने बोला उसमें नमक नहीं है, चावल तुमने वैसे मुंह से निकाल दिए, रोटी में घी नहीं है, अब दाल दो खा लो कम से कम। लेकिन डॉक्टर ये तो पेशेंट का खाना है ना। यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर कुक, कि खाना पेशेंट का ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल इंसान इसको खाना तो दूर टेस्ट भी नहीं करना चाहता। भाई खाना ऐसा होना चाहिए कि भर पेट खाने का दिल तो करे पेशेंट को, स्पेशली बच्चों को, टेस्टी खाना चाहिए, टेस्टी खाना, तभी तो उनकी रिकवरी होगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ब्रायन, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? डॉक्टर ब्रायन, ओह हाय, मेरे हॉस्पिटल में न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखकर, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन देखकर ही खाना बनाया जाता है। दिस इज अ हॉस्पिटल, नॉट अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट का नाम सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के खाने का नाम सुनते हैं तो रोना आ जाता है, क्यों? क्योंकि हम उनके खाने में क्रीम या चॉकलेट पाउडर नहीं डालते। यही तो आप समझ नहीं रही, टेस्टी खाने का मतलब अनहेल्दी खाना नहीं होता है। लगता है मुझे आप लोगों को खाना बनाकर फिर समझाना होगा। आप पहले डॉक्टर हैं जो कुकिंग में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। वेल, इंटरेस्ट तो मुझे काफ़ी चीज़ों में है, लेकिन कुकिंग और ईटिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, क्योंकि फुल स्टमक मीन्स स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस मीन्स हैप्पी डॉक्टर, एंड हैप्पी डॉक्टर मीन्स हैप्पी पेशेंट्स। सिंपल, राइट। अब हम काम की बात कर सकते हैं डॉक्टर भाई? ओह भाई, तुम लोग चलो, मैं कैंटीन में कल तुम लोगों को डेमो दूंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज, मैं ACH के मोबाइल हॉस्पिटल्स के बारे में बात करने आई हूँ। श्योर, गो अहेड। मैंने अपने ट्रस्टी से बात की है और उनके हिसाब से फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फंडिंग के लिए हम हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर सकते हैं, इसलिए वी हैव टू राइट टू देम। श्योर। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ? या आपके पास पर्ल स्ट्रिंग है? आई एम सॉरी, क्या है कि पेस्टल रंग की साड़ियों के साथ ना पर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, दे लुक वेरी रॉयल एंड ग्रेसफुल, लाइक महारानी गायत्री देवी, यू नो, इट्स प्रीटी, जस्ट अ सजेशन। थैंक यू डॉक्टर ब्रायन, वेलकम एज ऑलवेज। मे कम इन सर? यस अभिमन्यु, आओ आओ, मैं तुम्हें याद कर रहा था भाई। चलो, मैं तुम्हारी US और बाकी कंट्रीज में जाने की तैयारी पूरी कर चुका हूँ। पासपोर्ट लाया ना? गुड। मैं तुम्हें कुछ नाम दे दूंगा जो US में तुम्हारी काफी मदद करेंगे। और हाँ, ये हमारे अखबार के लिए एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है, काफी डिटेल में काम करना होगा। या आई अंडरस्टैंड, जाना कब है? न्यू ईयर्स ईव पर। क्या इतनी जल्दी कैसे जाओगे तुम? चला तो जाऊंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hey, but I don't really feel like going. लेकिन अभी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने बड़े स्केल पर पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें नेशनल न्यूज जैसे अखबार ने दिया है, और फिर मेरी डिलीवरी होने में तो अभी टाइम है, और उस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस क्या हुआ? पता नहीं, कुछ खटका सा लग रहा है मुझे। ओह, तो तुम्हें भी ये खटका लगने लगा? हाँ, नए घर में जब मैं आई थी और मेरे हाथ से घड़ा गिरा था तो तुमने क्या कहा था? हाँ, बहुत अंधविश्वासी हो गई हो, है ना? जब से इस नए घर में आए हैं सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है, और अब तुम भी ये खटके वटके की बात करने लगे। हाँ मुझे पार्किंग का जिम्मा तुम्हारा। ओके बॉस। हाय हाय सिमरन, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा, ये आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट। थैंक यू सो मच। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मानस कहाँ है? मम्मा पापा बहुत बिजी रहने लगे, इसलिए मैं सिमरन आंटी को लेकर आ गया। आई एम नॉट अलाउड टू यूज द फोन इनसाइड, मैं जरा हॉस्पिटल फोन करके आती हूँ।
अच्छा मेरा बच्चा मेरे लिए क्या लाया है? मम्मा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोनू को मम्मा से जरूरी बात करनी है? ओके बताओ। मम्मा आप पापा को समझाइए ना, उन्होंने शिवरंटी का हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया? What? हाँ मम्मा, उन्होंने नया हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया है। क्या बात कर रहे हो सोनू? आपको नहीं बताया पापा ने? नहीं। क्या हो गया पापा को? ना वो सिमरन आंटी से बात करते, ना मुझे आस्था के साथ खेलने भेजते। सिमरन, सिमरन ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मानस ने दूसरा नर्सिंग होम ज्वाइन कर लिया। स्ट्रेंज, मुझे कुछ पता ही नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती, ये मानस की डिसीजन है उर्मिला, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिमरन तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, बताओ बात क्या है? उर्मिला सोनू तुमसे मिलने आया है, उसे बहुत बातें करनी है तुमसे। ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम? मैं विजिटिंग आवर्स एक्सटेंड करवा के आती। Hey, Sonu! Sonu! Sonu, kahan hai Simran? He's with me. नोट लिखा था मैंने तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन ये क्या है? मैं घर पे आता हूँ, सोनू नहीं है, तुम उसे ले जा चुकी हो, मुझे पता भी नहीं है। इन्फॉर्म तो करना चाहिए मुझे। मैंने फोन किया था तुमसे बात करने के लिए, but you were busy. और सोनू अपनी मामा से मिलना चाहता था। उर्मिला के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाया था वो। इसीलिए विजिटिंग आवर्स में मैं सोनू को उर्मिला से मिलाने ले गई थी। और वैसे भी मानस, अगर मैं सोनू को कहीं ले जाती हूँ तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। I'm his aunt. हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर सोनू और मेरे रिश्ते पर या आस्था और सोनू के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। आज भी सोनू का हक है मुझ पर, या वो भी छीन लेना चाहते हो तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ सिमरन। एनीवे ही इज प्लेइंग विद आस्था, मैं कुछ देर बाद घर छोड़ दूंगी उसे। इज दैट ओके विद यू? एज यू विश। बाय। अभी मैं नहीं चल सकती, तुम देख रहे हो ना सुबह से मेरी हालत। अरे तुम कमाल करती हो। सुनो देखो कुछ नहीं होगा, चल लो साथ में। हाँ तो मैं अकेला जाऊंगा ये अवार्ड लेने के लिए। बहुत कमजोरी लग रही है, अगर मैं गई और वहाँ कुछ हो गया तो फंक्शन बेकार में ऐसे ही जाएगा, रिस्क लेने की जरूरत क्या है? अरे यार सिमरन ने कहा था ना दैट यू आर फाइन। अभी मैं खुद चलना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं अकेला जाऊँ क्या? अकेले क्यों, सिमरन को ले जा सकते हो, उनसे पूछ लो अगर वो बिजी ना हो तो। नहीं सिमरन को नहीं लेके जाऊंगा मैं, तुम नहीं चल रही हो तो अकेले जाऊंगा। वैसे भी मिस्टर मेनन तो होंगे वहां पे, मैं मामा को बोलता हूँ वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई विल गेट रेडी नाउ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिटीजन फोरम एनुअल अवार्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये शाम उस पत्रकार के नाम है जिसने महिला कैदियों को हाय हाय थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बड़ा सरप्राइज, तुम्हें बताया नहीं कि तुम भी आ रही हो। इनविटेशन भेजा तो आ गई। नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा बेटे क्या हुआ मम्मी जी? अरे भाई फंक्शन शुरू होने वाला होगा, टीवी लगाओ ना। 8 बज गए। हाँ। इस साल के बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल के लिए जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है उनका नाम है अभिमन्यु सक्सेना। Thank you.
चैनल पे देने वाले हैं लोग, कहीं हम लोग मिस ही ना कर जाए। ये अवार्ड दिया तो मुझे गया है, लेकिन ये अवार्ड एक कलेक्टिव एफर्ट है, अचीवमेंट है उन सब लोगों का जिन्होंने की जेल के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई और उनके शोषण को रोका। ये अवार्ड किसी का विश्वास है तो किसी की आस्था है। ये अवार्ड मैं उन सभी महिला कैदियों की तरफ से ले रहा हूं जो कि जेल के अंधेरों में बंद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की कि वो आवाज उठाएं। दिस गोज टू देम। Trusted me. और इस बार मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा नहीं सिमरन। वो नादान सा अभिमन्यु अब इस लायक तो हो गया है कि ये ट्रॉफी तुम्हें अपने हाथों से दे सके। ये लो, इस पे भी नहीं आ रहा है। मम्मी जी, इतनी जल्दी न्यूज़ में थोड़ी दिखाएंगे, सारा फुटेज एडिट करने के बाद ही दिखाएंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो ठीक है, आज मैं अपना कोई फेवरेट सीरियल नहीं देखूंगी, बस जी न्यूज़ लगा के बैठूंगी, कभी तो दिखाएंगे ना। डॉक्टर सिमरन, एक मिनट आइए ना, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। अभिमन्यु अपनी लाइफ का सबसे ग्लोरियस मोमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ नहीं, इसमें क्या राज है? आप सवाल कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्स हस्बैंड और वाइफ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? इनफैक्ट आपको पूनम रेप केस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम है आपको? Excuse me. आप बताइए, आप नेहा को क्यों नहीं लाए? क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ इन लोगों को सीरियसली ले रही हो तुम? मुझे घर जाना चाहिए अभी, आस्था भी इंतजार कर रही है। चलो मैं भी चलता हूँ। कब? नहीं अभी, दिस इज योर डे, आज फंक्शन तुम्हारा है, तुम कैसे? फॉरगेट माय डे, क्या डे, इस तरीके की बातें? अरे आप लोग यहाँ? वी आर सर्विंग द डिनर, प्लीज आप डिनर करके जाइएगा। सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का ये पुरस्कार मुसाफिर नाम से लिखने वाले अभिमन्यु सक्सेना को दिया गया। इस साल दिखा रहे टीवी बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल के लिए और बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए। अरे सिमरन भी थी वहां। चलो अच्छा हुआ, इस मौके पे कोई अपना तो था उसके साथ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये दिन दिखाया तूने हमें।